हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में बताऊंगा रैबिट पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज दहेज में साला। तो इस वीडियो में बताऊंगा वेब सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। कुकू वालों का अपना एक अलग तरह का फ्लेवर है जो वे वेब सीरीज में लेकर आते रहते हैं। वे सीरीज में कॉमेडी का तड़का लगाते हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भर भर के डालते हैं, जिससे कि दर्शक कर्माग्रहण सीन भी देख ले और ऊपर से खिलखिला भी ले। वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस बार स्टोरी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो शादी करने के लिए बेचैन रहता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो शादी तो करेगी लेकिन दहेज में अपने साथ अपने भाई को ले जाएगी। उसकी ये जो इच्छा पूरी करेगा वह उसे शादी करेगी और इस लड़के को उस लड़की से एक नजर में प्यार हो जाता है और वह उस लड़की से शादी करने के लिए उसके भाई क्या उसके सारे फैमिली को दहेज में ले जा सकता है। वेब सीरीज में अच्छाई की बात करें तो सिर्फ इसमें आपको कॉमेडी BGM और म्यूजिक अच्छी लगेगी जो आपको अच्छा लगेगा। नेगेटिव की बात करें तो स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है और एक्टिंग कुछ ने ठीक ठाक की है और कुछ ने ओवर एक्टिंग कर दी है। वेब सीरीज आप रैबिट की ऑफिशियल साइट और ऐप से देख सकते हैं। मुझे तो ये वेब सीरीज ठीक ठाक लगी, आपको कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।